पंच तत्व में विलीन हुए राजू श्रीवास्तव, कॉमेडी के सरताज के जाने से हर कोई है स्तब्ध। कॉमेडी की दुनिया के सबसे पॉपुलर और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियंस में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कॉमेडियन का निधन हो गया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार ना होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अफसोस, पूरी कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए। सबको हंसाने वाले राजू हर किसी की आंखें नम करके इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई नम आंखों से राजू को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। निधन के बाद बीते दिन राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के द्वारका में स्थित उनके घर पर ले जाया गया, जहां पहुंचकर उनके चाहने वालों और करीबियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आज सुबह राजू के पार्थिव शरीर को दिल्ली के निगम बोध घाट ले जाया गया। अपने चहेते राजू को अंतिम विदाई देने के लिए फैंस की भारी भीड़ मौजूद रही। राजू श्रीवास्तव के बेटे आयुष्मान ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और राजू हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए। इस दौरान राजू के परिजन, दोस्त और फैंस अपने चहेते को नम आंखों से आखिरी विदाई देते हुए नजर आए। राजू श्रीवास्तव का जिक्र अब सिर्फ यादों में होगा। उनका स्ट्रगल, हौसला और टैलेंट हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।